नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इंजन ज्ञान चैनल में। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड का चीता ग्रिप्स डीजल इंजन, जिसे लोग लंबाडनी के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर लोग इसे लंबाडनी इंजन ही कहते हैं। चीता ग्रिप्स डीजल इंजन जो कि 5 HP का है और ये बहुत ही अच्छा इंजन है, मल्टीपर्पज इंजन है। आप इस इंजन का उपयोग बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस इंजन का उपयोग आप कहां कहां कर सकते हैं और इंजन कितने पावर का है, कैसा है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम इस इंजन का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये इंजन आपको कहां मिलेगा और पूरे इंडिया में कहां कहां इसका सेल एंड सर्विस है। तो सबसे पहले चलिए इंजन के बारे में जान लेते हैं। इंजन का सारा डिटेल आपको पहले बता देता हूँ। ये जो वीडियो में आप इंजन देख रहे हैं वो 5 HP का इंजन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी इंजन के बारे में बात करेंगे। ग्रिप्स इंजन की जो कंपनी है वो 1859 में चालू की गई थी और ये जो वीडियो में इंजन आप देख रहे हैं उस इंजन का नाम है चीता ग्रिप्स डीजल इंजन। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इंजन के नेम प्लेट पे जो आपको सारा डिटेल मिलेगा वो इस तरह से रहेगा। ग्रिप्स मॉडल लिखा रहेगा 1520, ये मैनुअल इंजन है। किलोवाट 3.6 रहेगा, HP 5 रहेगा, RPM 3600 लिखा रहेगा, गवर्नर B2, SFC 299। इसमें जो फ्यूल पड़ेगा वो पड़ेगा HS डीजल क्लास A और ये ISI मार्का वाला इंजन है। लूब ऑयल इसमें पड़ेगा HD ASE 40 एवब 20°C। इसके नेम प्लेट पे, इंजन के नेम प्लेट पे ये लिखा रहता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बाइक ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया। टाइप ऑफ इंजन एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर वर्टिकल 4-स्ट्रोक डीजल इंजन है ये। मॉडल है 1520 और 1523। 1520 का जो मॉडल है वो मैनुअल इंजन होता है और 1523 का जो मॉडल होता है वो मैनुअल और सेल्फ स्टार्ट दोनों होता है। इस इंजन का जो बोर है वो है 78, स्ट्रोक MM में है 68, क्यूबिक इंच डिस्प्लेसमेंट है 0.325, कंप्रेशर रेशियो है 18.1, RPM है 3000 से 3600। इस इंजन को आप आइडल में 900 से 1200 RPM पे चला सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क है KGM और NM में, KGM में 1.48 और NM में 14.51 है। SFC 205-220 है। कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक, इसका जो फ्यूल टैंक है वो 4.5 लीटर का है। इसके सम में जो लूब ऑयल आएगा वो 1 लीटर आएगा और ड्राई इंजन का वेट है 43 किलो 43 kg। इस इंजन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। इस इंजन का जो गवर्नर टाइप है वो है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। इस इंजन का जो साइलेंसर है, मफलर है, वो रिफ्लेक्शन टाइप का है। सेल्फ स्टार्टिंग जो इंजन होगा वो 12 वोल्ट का होगा आपका। इसमें आप 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं। लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई बता देता हूं मैं आपको, 365 mm इंटू 427 mm इंटू 476 mm। इस इंजन को जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद इसे 5 मिनट तक धीमी गति में चलाना है। धीमी गति चलाने से क्या होगा कि पूरे इंजन में लूब ऑयल अच्छे से सर्कुलेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी स्पीड आप बढ़ाएं और जब पहली बार आप इंजन लेते हैं, नया इंजन लेते हैं, तो उसका जो लूब ऑयल है वो 50 घंटे में आप फर्स्ट बार चेंज कर दें। उसके बाद इन्वायरमेंट के हिसाब से 100 घंटे या 150 घंटे में आप लूब ऑयल चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डस्टी इलाका है तो 100 घंटे में आप लूब ऑयल चेंज कर दीजिए। और जब आप नया इंजन लेते हैं तो उसे 70 घंटे या 2000 किलोमीटर तक 75% से ज़्यादा स्पीड उसकी नहीं बढ़ानी है। जब आपका इंजन 70 घंटा से ज़्यादा चल जाए या 2000 किलोमीटर पार कर जाए उसके बाद उसको 75% से ज़्यादा आप स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं। या ओवरऑलिंग आप करते हैं तब भी आपको 50 घंटे पे लूब ऑयल चेंज करना है। इसमें जो लूब ऑयल पड़ेगा वो पड़ेगा API CH4 15W40। इंडियन ऑयल का डाल सकते हैं या ग्रिप्स कॉटन का खुद का लूब ऑयल आता है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो बात करते हैं ये इंजन आपको इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा। इस इंजन का सेल एंड सर्विस इंडिया में कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। पहला मुंबई में है, दूसरा अहमदाबाद में है, तीसरा पुणे में है, चौथा भोपाल में है, पांचवा न्यू दिल्ली में है, छठा कोलकाता में है, सातवां रांची में है, आठवां चेन्नई में है, नौवां कोची में है, दसवां बेंगलुरु में है और ग्यारहवां हैदराबाद में है। अगर आप रांची के आसपास रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, तो ये इंजन आपको अली मशीन टूल्स में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
अली मशीन टूल्स मेन रोड रांची, और इसका प्राइस आपको पड़ेगा 32,000 से 35,000 के आसपास में पड़ सकता है। 5 HP का जो मैनुअल ये इंजन है जो मैंने बताया, जिसका मॉडल होता है 1520 मैनुअल इंजन, 5 HP का ग्रीस इंजन जिसे हम लंबार्डनी कहते हैं, ये इंजन आपको 32,000 से 35,000 के बीच में अली मशीन टूल्स रांची झारखंड में मिल जाएगा मेन रोड में। और इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से नंबर ले लीजिएगा और इनसे बात करके आप इंजन प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं, ये इंजन मल्टीपर्पज़ है, तो इस इंजन का आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस इंजन से आप असेंबल जनरेटर बना सकते हैं। 5 HP इंजन में आप 3 KVA का ऑल्टरनेटर लगा सकते हैं, 3600 RPM का आपका 3 KVA का जनरेटर बनकर तैयार हो जाएगा। इस इंजन को आप पोर्टेबल अर्थ कॉम्पैक्टर में भी लगा सकते हैं। इस इंजन का उपयोग आप एयर कंप्रेशर में भी कर सकते हैं। इस इंजन का उपयोग आप पानी प्रेशर पंप में कर सकते हैं, जिससे गाड़ी वगैरह धुल जाती है। इस इंजन का आप पानी पंप में भी कर सकते हैं। इस इंजन का उपयोग आप खेतीबाड़ी के लिए भी कर सकते हैं। इस इंजन का उपयोग आप कंक्रीट कटर के लिए कर सकते हैं। इस इंजन का उपयोग आप रोड कटर के लिए कर सकते हैं। इस इंजन की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि 5 HP में इतना बढ़िया इंजन आपको और कोई दूसरे ब्रांड का नहीं मिलेगा। बहुत सारे कस्टमर का फीडबैक भी है कि ग्रीस का जो डीजल इंजन है, ये जिसे लंबार्डनी कहते हैं, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी छोटा है, पोर्टेबल है, आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। रख रखाव भी इसका बहुत आसान है और इसका इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो ये इंजन आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। ये इंजन आपको रांची झारखंड में अली मशीन टूल्स में मिल जाएगा, जिसका नंबर मैंने नीचे दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट होता है कि ऑल्टरनेटर कहाँ मिलेगा, 3600 RPM का जो ऑल्टरनेटर है जो इसमें लगेगा 3 KVA का, बहुत सारी कंपनी नहीं बनाती है, कुछ कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे कि विद्युत नाम की कंपनी है, वो 3 KVA का 3600 RPM में ऑल्टरनेटर बनाती है। और फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो 1 घंटे में 1 लीटर डीजल आपका ये इंजन खाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये स्टॉप इज स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये एक्सलेटर है, कम बेसी करने के लिए। हाँ। अगर ऐसे अगर कम बेसी नहीं हो रहा है तो क्या खराबी हो सकता है? कम बेसी इससे होना ही है, खराबी का पता नहीं, मतलब खराब हो गया तो नहीं हो रहा है तो फिर देखना पड़ेगा इसका गवर्नर फंक्शन को, फिर गवर्नर में प्रॉब्लम आ गया अगर कम बेसी नहीं हो रहा है। ऐसे कभी आज तक हुआ नहीं है। लेफ्ट साइलेंसर है, एयर फिल्टर है, लूबल तो यहीं से खोल कर डालते हैं ना इसका। लूबल यहाँ सर्विस वाला ये वाला ड्रेन प्लग है ना इसका, ये वाला ब्रीदर है क्या? ब्रीदर का रबर होगा, ब्रीदर का रबर है।